चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका क्या तिरुवनंतपुरम, क्या होगा? तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपको बताए थे, इसका आप ट्रिक देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। सभी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन का ट्रिक मैंने बताया था, बहुत ही सॉफ्ट ट्रिक। कवक बताया था क्या? माइकोलॉजी। तो इसका ट्रिक क्या था? माइके कब जाओगे? तो माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन हो गया माइकोलॉजी। तो इसका आंसर हो गया क्या? कवक का अध्ययन का माइकोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन हो गया आपको क्या? न्यूमिसमेस्टिक। क्या हो गया? न्यूमिसमेस्टिक। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिसमेस्टिक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ? तो कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा लीनियस। किसको कहा जाता है? लीनियस को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान। चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या बताए थे? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बताते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन। अंगूरों का उत्पादन क्या होगा? विटीकल्चर। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? ऑप्थोमोलॉजिस्ट, नेत्र रोग का चिकित्सक। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन तो हो गया पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी हो गया कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस। चलिए दोस्तों बने रहें वीडियो पर लास्ट तक, 50 क्वेश्चन कराया जाएगा और आप मिलाएं कि कितना सही हो रहा है। चलिए दोस्तों तो मैं अब आगे 25 नंबर का। चलिए दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? एक से एक क्वेश्चन है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। और अगला ये सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे CAT, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। मधुमक्खी का पालन जान ही रहे होंगे, इसका ट्रिक भी बताएं आप, वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मधुमक्खी का पालन हो गया एपिकल्चर, मधुमक्खी का पालन हो गया एपिकल्चर। चलिए दोस्तों तो और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। स्थित है तो लखनऊ। फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अस्थियां किसका अध्ययन है? अस्थियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 37 नंबर तो देख लिए थे। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो अस्थियां का, अस्थियां का हो गया ऑस्टियोलॉजी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कीटों का अध्ययन अभी बताए थे एंटोमोलॉजी। चलिए दोस्तों तो आज 40 क्वेश्चन समाप्त किया जाता है। आगे नेक्स्ट आपको रेलवे साइंस पर टेस्ट पेपर 3 आएगा, आप एक बार 40 क्वेश्चन का आंसर दें, 5 से 10 मिनट लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ। चलिए दोस्तों तो धन्यवाद।